एक अलंकार को कितनी बार रियाज करें, एक राग को कितने दिनों तक प्रैक्टिस करें कि वो पूरी हो जाएगी, या कोई भी एक हमको जो सबक मिला है, कोई भी एक टास्क मिला है, कोई भी एक लेसन मिला है, उसे कितनी देर करना चाहिए, कितने दिनों तक करना चाहिए, ये तालें कितनी बार और करनी पड़ेंगी, ये थाट, ये स्केल्स कितने बार और करने पड़ेंगे कि हो जाएंगे, तो इनकी फ्रीक्वेंसी को लेके फ्रीक्वेंटली आप लोगों के बड़े सवाल आते हैं कि ये कितनी बार करना पड़ेगा और इनका जो क्वांटिटी है वो कितनी रहेगी और कितनी बार में असर होगा, है ना। ये जो उमूमन सवाल तो आते ही हैं कि भाई कितने दिन में हो जाएगा या कब तक सीख जाएंगे, तो ये क्वेश्चंस जो हैं, ये डाउट जो हैं, आपके मन के हमेशा बने रहेंगे और मैं हमेशा इन पर कुछ ना कुछ बात करके आपको इनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करता रहूँगा। पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि कितनी बार एक अलंकार को रियाज करना पड़ता है, तब जाके उसका असर होता है और तब जाके उसका गले में कुछ बात पैदा होती है। विधिवत ढंग से पूरा सिलेबस के साथ हर एक चीज बारीकी से सिखाई जा रही है संगीत धरा SPW ऐप पर। अभी डाउनलोड कीजिए और लाइव क्लासेस का मजा लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप के लिए। बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये बात बोली है, बहुत सारे वीडियोस में ये एग्जांपल दिया है। ब्रूसली आई गेस उनका ये क्वोट है, उन्हीं की ये बात है, मैंने जहाँ तक जानी है, पर नाम में वैसे कुछ नहीं रखा है। हम अगर बात पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बात पर गौर करें कि उन्होंने कहा, या ऐसा मैंने सुना है लोगों से, कि एक ही चीज़ को अगर आप 10,000 बार प्रैक्टिस करते हैं तब जाके वो आपकी हैबिट बनती है, तब जाके वो आपकी ऐसी उसमें एक पकड़ पैदा होती है जो किसी और चीज़ में नहीं है। जिसको चांदनी चौक टू चाइना जो मूवी है अक्षय कुमार की, उसमें उन्होंने डायलॉग बोला था कि मुझे उन 10,000 मूव से ख़तरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे उस एक मूव से ख़तरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। तो जाहिर सी बात है, जब एक ही चीज़ को इतनी बार दोहराया जाता है तो उसमें आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है, उसकी हर बारीकी आपके पास होती है, आपको एनालिसिस उसका इतना क्लियर होता है, उसकी डिटेल्स आपको सारी होती हैं और जाहिर है कि उस पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है। एक ही अलंकार लिया है, पहला अलंकार, अच्छे अच्छे संगीतकार, अच्छे अच्छे गुणीजन आपको यही सलाह देंगे, यही हिदायत देंगे कि उस अलंकार को कम अज कम 100 बार कीजिए, एक ही अलंकार को, तब जाके आप दूसरे किसी अलंकार पर बढ़िए। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है कि आपके पास कितना कंटेंट है, कितने सारे अलंकार आपको आते हैं, कितनी सारी रागें आती हैं, वो मैटर नहीं करती है। मैटर करता है उनका रियाज एक ही चीज़ का कितनी बार आपने किया है, कितनी बार उसे घिसा है। जब तक वो घिसा नहीं है, जब तक वो शार्पन नहीं हुआ है, पॉलिश नहीं हुआ है, उसकी तासीर आप तक पहुँची नहीं, उसका असर आप पर हुआ ही नहीं। कहा जाता है कि कहते हैं ना कि एक पकना बड़ा पड़ता है हमें संगीत में, बड़े बोर होते हैं हम ये सारी चीज़ें करते समय, ये ग्रामेटिकल चीज़ें जो है या ये अलंकार जो है, यार ये बड़े बोरिंग हैं, इनको कितनी बार गाना, ये कहीं प्रेजेंट तो हमें करने नहीं होते, है ना, कहीं परफॉर्मेंस होती है तो हमसे तो वहाँ गाना सुना जा रहा होता है, वहाँ हमें कोई गज़ल गाने को कहा जा रहा हो, कोई ये नहीं कहता है कि यार चार अलंकार सुना दो, यार वो पाँचवा अलंकार सुनाओ या कोई ताल सुनाओ, तो ये सारी चीज़ें क्यों करनी है। तो मैंने पहले भी कहा, ये सारी एक्सरसाइजेज हैं, ये सारे रियाज हैं, अभ्यास हैं, इनको प्रेजेंट नहीं करना होता है, कोई भी एक्सरसाइज प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कि मैं हमेशा अक्सर एग्जाम्पल देता हूं कि कहीं अगर आपको अपना शक्ति प्रदर्शन करना है, कहीं किसी की जान बचानी है, अगर एक इंसान को कुछ चंद इंसान या कोई चीज जीव जो परेशान कर रहा है, तो जाके अगर आप वहां लड़ेंगे तो वहां जाके उठक बैठक नहीं लगाएंगे, वहां जाके आप दंड बैठक नहीं करेंगे, वहां जाके आप लड़ेंगे उससे, यानी आपका प्रेजेंटेशन, आपकी प्रस्तुति जो है वो अलग होती है, लेकिन वो सारी चीजों के लिए एक्सरसाइजेस जरूरी हैं। अगर आपके अंदर वो स्टैमिना, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पार, वो सारी चीजें है ही नहीं तो प्रेजेंट क्या करोगे, है ना। तो प्रस्तुति अलग होती है और वर्जिश यानी रियाज जो अभ्यास है वो अलग होता है, उसकी तैयारी अलग होती है। तो ये अलंकार, ये राग, ये ताल, ये थाट, ये स्केल्स, ये तालें, ये लयकारी, ये लयदारी, ये सब उसी की चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि पकना पड़ता है, लोग कहते हैं यार बड़े बोर हो जाते हैं, बड़े पक जाते हैं इसमें, तो जाहिर सी बात है कि जो फल पका हुआ होता है उसी में एक रस होता है, वही फलदायी होता है, वही सेहत के लिए अच्छा होता है। जो फल कच्चा है और आपने पेड़ से तोड़ लिया तो उसमें वो बात नहीं होती है, उसमें वो रस नहीं होते हैं, उसमें वो गुण नहीं होते हैं, है ना। तो पकना तो पड़ता ही है, और इतना पकिए कि आप कितना भी बोर होइए इसमें, लेकिन तब भी इसे करना पड़ता है। अच्छा, किसको इंटरेस्ट आता है रेगुलर एक ही चीज़ बार 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 करने में, नया चाहिए कुछ ना कुछ, है ना। लेकिन यही बात है कि जो कच्चा होता है ना, अगर वो आम कच्चा है और आपने तोड़ लिया तो उसको आप खाएंगे नहीं, उसका अचार पड़ेगा फिर, है ना। तो अगर आप अचार बनना चाहते हैं खाली कि स्वाद के लिए कहीं थोड़ा सा यूज़ आना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, लेकिन वही आप एक पौष्टिक आहार बनना चाहते हैं जो कि पूरा पका हुआ आम होगा, तो आपको वहाँ टाइम देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, एक ही चीज़ को 100 बार करना पड़ेगा। एक ही पेड़ को हम रोज़ पानी देते हैं, क्यों,
ताकि उसको धीरे धीरे उसका असर उसमें होता है, वो धीरे धीरे पनपता है और बड़ा होता है। रोज़ हमें खाना पड़ता है पौष्टिक आहार, तब जाके उसका असर होता है। रोज़ वो दवाई लेनी पड़ती है, तब जाके उसका इलाज जो है हम पर हो पाता है। तो जब वो चीज़ रोज़ नियमित और क्या बोल सकते हैं, एक पूरा रेगुलर तरीके से जब आपको लेनी होती है, वेल डिसिप्लिन तरीके से लेनी होती है, तो यही बात अलंकारों पर, यही बात थाटों पर, यही बात स्केल्स पर भी लागू होती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वो 10 थाट सीख लिए तो हो गया पूरी उम्र के लिए, ऐसा नहीं है। उनको दोहराना पड़ता है बार बार। ऐसा नहीं है कि वो 12 जो पिच हैं, 12 स्केल्स जो आपने कवर कर लिए, उनसे 10 थाट अगर आपने बजा लिया, अलंकार बजा लिए तो हो गया, अब रागे करते हैं, अब तो हम सिर्फ रागे ही कर रहे हैं। तो वो जो बेसिक्स थे वो आप भूल चुके हैं, वो आपके अंदर से स्लिप हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने रियाज नहीं किया है। इवन जब तबला वादक भी रियाज करता है, जब बैठता है रियाज करने का, तो घेघे तेटे घेघे नाना से ही शुरू करता है, एक एक वर्ण को वो स्पष्ट करता है। उसी तरह से जब अलंकार गाए जाते हैं, जब कितना भी बड़ा कलाकार हो जाए, आप देखेंगे वो तब भी पहले अलंकार का रियाज करता है। क्यों? क्योंकि यही बेसिक है, इसी से बाकी सारी चीज़ें बनी हैं और उसी को वो बार बार दोहराते हैं। इवन मेरे दादा गुरु जी हैं, वो अपने पिताजी का एग्जाम्पल देते हैं, पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी, वो अपने पिताजी का एग्जाम्पल देते हैं, पंडित जगन्नाथ प्रसाद मूर्ति, जो संगीत मूर्ति जिनको उपाधि मिली हुई है, वो जब रियाज किया करते थे तो वो एक ही अलंकार को, और कुछ रियाज नहीं करते थे, एक ही अलंकार, सारे गमा पद निशा सा नि धपा मगर ऐसा, इसी को कभी तार सप्तक में ले जा रहे हैं, कभी खरज में ले जा रहे हैं, कभी ऊपर नीचे सपाट, इन्हीं चीज़ों का रियाज करते थे। और बेसिक्स अलंकार जो भी प्रारंभिक है उन्हीं का रियाज करते थे, जबकि वो तो इतने खुद इतने बड़े कलाकार हैं, तो उनको तो बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, तो वो सारी क्यों नहीं करते वो? लेकिन असर इन बेसिक चीज़ों का ही होता है, और मैंने पहले भी बोला है उन्हीं अलंकारों को रियाज करने का ढंग है जिससे कि उसका असर होता है, ना कि उन अलंकारों का। भले आप कितना ही टिपिकल अलंकार ले लें, लेकिन अगर उसे आप गलत ढंग से रियाज कर रहे हैं तो उसकी तासीर, उसका असर आप तक पहुंचेगा ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ है, एक ही चीज़ को 100 बार करना पड़ता है। एक ही अलंकार लेके बैठ गए तो लेके बैठ गए। जैसे मैंने तबले के लिए भी बोला था कि अगर रियाज करना है तो 3 ताल लेके बैठ जाइए, बस उसी को घिसिए बार बार, दा दिन दिन दा, 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 उसी में लोच लाने की कोशिश कीजिए, उसमें लाउडनेस, उसमें साउंड मॉड्यूलेशन कीजिए कि कहाँ कौन सी मात्रा पर वजन देना है, है ना। ये मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है, अलंकारों के लिए भी यही कहा है कि अलग अलग वजन अनुसार आप रियाज कीजिए। जैसे कि दा दिन दिन दा, 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 दा, दिन दिन दा। मैं क्या कर रहा हूं? एक एक मात्रा का वजन बदल रहा हूं। यही हम अलंकारों में भी करते हैं। कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा ने दा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा ने दा पा मा गा रे सा, रे गा मा पा धा नी सा, सा ने दा पा मा गा रे सा, वही पहला अलंकार है। इसको मैं इतने प्रकार से कर सकता हूँ। तो जब मैं कह रहा हूँ कि एक अलंकार 100 बार करना है, तो बोर होने की, पकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार आप वेरिएट भी कर सकते हैं, लेकिन अलंकार वही गाना है, आकार में सुर में वही गाना है। मैं भी आज जब रियाज करता हूँ, बैठने रियाज करने बैठता हूँ, तो यही करता हूँ, इसी अलंकार को जिस भी समय बैठ रहा हूँ उस थाट में, उसके उस राग में, उसके पलटे जब मैं करता हूँ, तो पहले कम लय में शुरू करता हूँ, फिर धीरे धीरे उसी की लय बढ़ाता हूँ। तो एक ही चीज़ को घिसने थे, तब जाके उसमें वो बात आती है, है ना। ऐसे नहीं हो जाता है कि आप तो बस उसको ऊपर ऊपर से सतह से अगर आपको करना है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, है ना। लेकिन उसकी बारीकियाँ, उसकी डिटेल आपको तभी समझ आएंगी जब उसे इत्मीनान से, पहले स्लो गति में, फिर उसी में धीरे धीरे गति बनाते हुए उसे ही घिसिए, उसे ही पॉलिश कीजिए, तब जाके तो मज़ा आता है। अब देखते हैं, जब दूध गर्म होता है तो हम दूध गर्म करते, तो एक तो आप पूरी आँच बढ़ा दीजिए और फिर दूध गर्म कीजिए, एक मिनट में दूध गर्म हो जाएगा। लेकिन यही जब उसकी मलाई बनती है या उसका क्या बोलते हैं खोया बनता है, है ना, तब उसी दूध को धीमी आंच पे गर्म किया जाता है, और धीरे धीरे जब वो भले वो उबल भी जाता है, तब भी उसे घुमाया जाता है चम्मच से, और वो धीरे धीरे घोटा जाता है उसे। तो क्या हो रहा है? उसको हम मोटा कर रहे हैं, गाढ़ा कर रहे हैं, क्यों? तभी जाके उसमें असर आएगा, उसमें वो पौष्टिक तत्व आएंगे जो आने चाहिए, है ना। तो यही चीज़ हमारे अलंकारों के साथ भी है। एक ही अलंकार जब इतनी बार घिसा जाता है तो जगह बनती है गले में उस सुर की, है ना। ये ऊपर ऊपर से करोगे तो वो सतह से निकल गया, है ना, दौड़ दौड़ के ऐसे 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 निकल गया, छूके निकल गया, सरेगा मैं पता नहीं सा नहीं था मगर ऐसा। लेकिन सा की क्या सच्चाई है, सा का क्या ठहराव है, सा की क्या एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी है, वो तभी मालूम चलेगी जब उसे धीरे धीरे घिसा है आपने, है ना, बहुत बारीकी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानने की है। एक अलंकार को ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि इसका इतनी बार रियाज करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि वो राग या वो ताल हमने कर ली है तो हो गई है, अब नेक्स्ट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट करो, लेकिन प्रीवियस का रिविजन करते रहो, रिविजन बहुत ज़रूरी है। रिविजन बंद किया तो वो सारी चीज़ें दिमाग से कब स्लिप हुई, गाने गले से कब स्लिप हुई, आपको मालूम ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी चर्चा थी, ऐसे ही आप देखते रहे हमारे चैनल को, कुछ ना कुछ मैं बात आपको बताता रहूँगा, कोई एक हिदायत, कोई एक सलाह पहुँचाता रहूँगा, आप तक मदद करता रहूँगा, यही मेरा काम है। मैंने जो कुछ सीखा है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए सीखा है कहीं ना कहीं, क्योंकि यही हमारा मकसद होता है। हम जब गुरु से सीखते हैं, तो कोई भी अपने गुरु से सीखता है तो उसका मकसद ये होता है कि उस गुरु की सोच को वो आगे फैलाए, बढ़ाए, उसका प्रचार करे, प्रसार करे, यही मकसद होता है। तो मैं भी वही उसी मकसद को पूरा कर रहा हूँ। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड संगीत धारा ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें।
थैंक यू।